बहुत ही कम शब्दों में मुझे कहने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी रही है, और मैं बताना चाहूंगा सर्वोच्च पद में अगर बैठाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महिलाओं को प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति जी के बनाने आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में उनको मौका मिला था। इसलिए हमारे जो इस मेन थीम था जो सोनिया जी के सम्मान में, और आप जब दिल्ली जाएं तो बताएं कि जो महिलाएं आई हैं वो सोनिया जी के याद दिलाती है उनकी बातें कि महिला को अगर सम्मान जिसने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है प्रतिभा पाटिल के रूप में। वो सब अपने आप को ये समझती है कि हम किसी न किसी नेतृत्व के रूप में हम यहाँ उभरते हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा SC ST OBC जो यहाँ की मूल निवासी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह का काम कर रही है। अभी हमारे भूपेश सरकार ने OBC माइनॉरिटी के लिए भी स्कॉलरशिप का जो शुरुआत की है। महन सावला जी, मैं चाह रहा था कि वो अपने बातों में बताएं पर ना बता पाए, तो मैं उस चीज़ को मैं रखना चाहूँगा कि माइनॉरिटियों के लिए भी हमारे बच्चों जो पढ़े उसके लिए भी स्कॉलरशिप का जो प्रयास किए हैं वो है कांग्रेस पार्टी। एक अंग्रेज को तो हमने भगा लिया, लेकिन दूसरा जो अंग्रेज आ गए हैं वो हमारे बीच में रह के हमको फूट डालने का काम कर रहे हैं, उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसको भी हमको यहाँ से भगाना है, तभी हमारी जो कौमी एकता है वो बराबर रह पाएगी। हम लोग ही सफ़र करते हैं, कोई अगर गलत काम करके चला जाता है तो माइनॉरिटियों के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या फिर और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बाहर के लोग आते हैं और हमारे पास दहशत गर्दी फैलाते हैं और हमारा नाम दे दिया जाता है। तो मैं आदरणीय मंच से ये कहना चाहूँगा कि अफवाहों में ना जाएं, उसका निरीक्षण करके परीक्षण करके कार्रवाई करें, क्योंकि हम लोग बहुत सफ़र कर लिए। आज माइनॉरिटी इतने दहशत में है जब से सरकार आई है विगत 10 साल से कि खुल के अपनी बात नहीं रख पाते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाले समय में हम आज़ाद हो जाएं, क्योंकि अभी तो हम किसी बंधन में सांस ले रहे हैं ऐसा लगता है मुझे। जब आने वाला जब भी मौका हमको मिलेगा तो हमको भीड़ से नहीं एक वोट की ज़रूरत है जो हमारी सरकार लाए और हम खुले आज़ादी में घूम सके, अपनी बातों को रख सकें। ऐसा मेरा विचार है, आप सबसे यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें। यही मैं इतनी अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। मुझे मंच में बोलने नहीं आता, मैं ग्रास रूटर वर्कर हूं, इसलिए मैं काम करने का प्रयास करता हूं और आप लोग मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख साहब से मैं निवेदन करूंगा कि और कुछ मांगे हैं वो पब्लिकली नहीं, कम से कम हम लोग प्रेसिडेंट बैठ उसमें चर्चा कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।